हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 19 स्टार्ट करेंगे। हमने एक सेशन किया था लायर्स एंड लाइंग का। इसमें हमने केवल एडजेक्टिव्स देखे थे। उसी तरह से आज का एक सेशन है जिसमें हम लोग केवल वर्ब देखने वाले हैं, वर्ब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे चैप्टर में ही हम वर्ब पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो आज का पहला सेशन है, इसमें हम केवल वर्ब देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीजर प्रीव्यू देखते हैं। व्हाट वर्ब मींस टू बी लिटिल का क्या मतलब होता है? मैं यहां पर आपको लिखकर समझा देता हूं। बी लिटिल का मतलब होता है किसी को तुच्छ समझना, किसी को तुच्छ समझना, मतलब कि किसी के अचीवमेंट को कम आंकना या फिर किसी को नीचा समझना। इसलिए जो हमारे पास वर्ब है वो है डिस्पैरेज। अच्छा, ये तो एक वर्ड हो गया। अब इसी तरह से 9 वर्ड्स आपको और पढ़ने हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे याद रहेंगे हमें? देखिए, आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आज के सेशन में। आज से आने वाले सेशन में जब हम इन वर्ड्स को इनके रूट वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स हमें अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इन वर्ड्स को इस तरह से बताने की कि आपको याद हो जाए। तो डिस्पैरेज को मैं डिकोड करके दिखाता हूँ। डिस्पैरेज, मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लैटिन पार का मतलब होता है इक्वल। इससे मैं कुछ वर्ड्स बताता हूं जिससे आपको ये रूट याद हो जाए। जैसे कि कंपेयर, कोई भी दो चीजों को आप तभी कंपेयर करेंगे जब उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक कार को दूसरे कार के साथ ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, आप किसी कार को किसी फ्रूट के साथ तो कंपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि इनमें कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स तो है नहीं। किसी कार को किसी फ्रूट के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो कंपेयर हो गया, पेयर हो गया, इन सभी में लैटिन पार रूट वर्ड है। तो डिस्पैरेज, इसमें प्रीफिक्स है डिस, डिस इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। पार का मतलब हो गया इक्वल। तो इटिमोलॉजिकली डिस्पैरेज का मतलब हो गया नॉट इक्वल। इटिमोलॉजिकल मीनिंग मतलब कि रूट वर्ड से अगर मैं मीनिंग को निकालूं तो वो होता है नॉट इक्वल, मतलब कि जितनी वैल्यू आपको उसे देनी चाहिए थी उस पर्सन को, उतनी वैल्यू आपने उसे नहीं दी। उसे आपने तुच्छ समझा या फिर छोटा समझा या फिर उसको थोड़ा सा नीचा दिखाया। तो बिलिटिल इज डिस्पैरेज, किसी को तुच्छ समझना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। सेकेंड वर्ड है, ये हो गया। सेकेंड वर्ड है बी पर्पसली कंफ्यूजिंग इज इक्विवोकेट। ठीक है, इक्विवोकेट को समझते हैं। लैटिन रूट है हमारे पास इक्वस, उससे हमने बेस लिया है ई क्यू यू जिसका मतलब होता है इक्वल, और VOC हो गया हमारे पास टू से, फॉर एग्जाम्पल वोकल। वोकल में भी सेम रूट है ना। ठीक है, तो इक्वी वोकल मतलब कि आप क्लियर हाँ या ना आप नहीं कह रहे हैं, मतलब आपने क्लियर हाँ भी नहीं कहा है, आपने क्लियर ना भी नहीं कहा है, यू आर कंफ्यूजिंग। तो इसके लिए वर्ड है हमारे पास इक्वी वोकेट। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। टिकल समवंस फैंसी, टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना, इसके लिए वर्ड है टिटिलेट, TITILLATE। अगेन मैं कह रहा हूं आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम आगे रूट वर्ड्स के साथ डिटेल में पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा, यहां मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फ्लैटर फुलसमली, फ्लैटर का मतलब होता है किसी की हद से ज्यादा अधिक ये प्रशंसा करना। फ्लैटर का मतलब होता है किसी की हद से ज्यादा अधिक तारीफ करना, इसके लिए वर्ड है एड्यूलेट, ADULATE। इसको एड्यूलेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एड्यूलेट। ठीक है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना सम फूड और एक्टिविटी, इसके लिए वर्ड है हमारे पास प्रोस्क्राइब।
ठीक है, इसको मैं बता दूं प्रोस्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, स्क्राइब का मतलब टू राइट। रोमन टाइम्स में क्या होता था, एंशियंट रोमन टाइम्स में अगर कोई क्रिमिनल है या फिर किसी ने कोई क्राइम किया है तो पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पर उसका नाम मेंशन कर दिया जाता था, जिससे कि आने जाने वाली पब्लिक जब उसका नाम को जब उसके नाम को देखती थी तो उनको ये पता चल जाता था कि ये एक क्रिमिनल पर्सन है और उसको अवॉइड करना है। ओके, तो प्रोहिबिट सम फूड और एक्टिविटी के लिए हमारे पास वर्ड हो गया प्रोस्क्राइब। प्रोहिबिट मतलब कि मना करना, मतलब कि वो चीज लिख दी गई तो हमें पता चल गया कि इसको हमें अवॉइड करना है। मेक नेसेसरी ऑब्विएट, ठीक है। इसमें जो रूट है वो है वी आई ए, वाया। वाया का मतलब होता है रोड, ठीक है। अगर रोड पे कोई चीज हमारे पास रखी हुई है, कोई पत्थर हमारे पास ये पड़ा हुआ है और आपने इस पत्थर को हटा दिया तो ये का मतलब हो गया ऑब्विएट, टू मेक अननेसेसरी या फिर टू रिमूव। करेक्ट। वर्क अगेंस्ट इज मिलिटेट, MILITATE। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि ये नोटपैड पर टैबलेट पर मुझे लिखने की आदत है नहीं। मिलिटेट इसको मैं बताता हूं, मिलिटेट कम्स फ्रॉम लैटिन मिलिटिस, जिसका मतलब होता है सोल्जर या फिर फाइटिंग मैन, ठीक है। तो मिलिट्री क्या करती है, फाइट करती है हमारे एनिमी के अगेंस्ट। तो टू वर्क अगेंस्ट इज टू मिलिटेट। स्प्रेड स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब होता है किसी के बारे में गलत कहना, तो स्प्रेड स्लैंडर इज मलाइन, ठीक है। इसमें रूट है मैलस, जिसका मतलब होता है बैड। ओके, गिव इम्प्लिसिट फॉरगिवनेस फॉर अ मिसडीड, मतलब कि किसी को अंदर ही अंदर माफ कर देना। मिसडीड का मतलब होता है गलत काम, उसके लिए वर्ब है हमारे पास कंडोन। इसको हम डिकोड करते करके देखते हैं, कंडोन हमारे पास लैटिन। डोनेर का मतलब होता है टू गिव, कौन का मतलब हो गया विथ या फिर टुगेदर। तो कॉन्डोन का इटिमोलॉजिकल मीनिंग हो गया गिविंग टुगेदर, मतलब हमने उसको माफी दे दी, तो हमने उसको माफ कर दिया, हमने कंडोन कर दिया। चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कोई अगर नाराज है, कोई एग्रेसिव है, गुस्सा है, तो चेंज उस चीज को हमने दोस्ती में हमने उसको चेंज कर दिया। इसके लिए वर्ड है हमारे पास प्लेकेट। किसी को प्लीज करना, अपीज करना, प्लेकेट करना, ये तीनों वर्ड एक दूसरे के एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग इट डाउन, पहला वर्ड था हमारे पास डिस्पैरेज, उसका यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है डिस्पैरेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ दे करके आप लोगों को समझाया हुआ है कि किस कंटेक्स्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं बेटर, ये आप लोगों को खुद पढ़ना है। मैं बता देता हूँ ऊपर ऊपर, देखिए मैं लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। 1948 में अमेरिका में इलेक्शन हुआ था हैरी ट्रूमैन और डीवी, मतलब दो लोगों के बीच, मतलब दे वेर द लोग थे। उसमें मिस्टर हैरी ट्रूमैन की जीत हुई थी, उन्होंने इलेक्शन को जीता था, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हैरी ट्रूमैन ने इलेक्शन नहीं जीता है, वो तो 12 लोगों में से अगर एक पर्सन भी अगर अपना वोट चेंज कर देता ना
तो हैरी हार जाता, वापस टाइयां बेचने वो चला जाता, या फिर वो तो फार्मर किसानों ने वोट नहीं दिया इसीलिए वो हैरी जीत गया, या फिर लेबर कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया इसीलिए वो जीत गया। अगर ये लोग वोट देते तो हैरी कभी नहीं जीतता, मतलब कि उनके अचीवमेंट को डिस्पैरेज किया गया, उन्हें डिस्पैरेज का मतलब होता है तुच्छ समझना किसी को। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास इक्विवोकेटिंग। इक्विवोकेटिंग मतलब कि क्लियर बात नहीं कहना, घुमा फिरा करके गोल मटोल तरीके से बात कहना। यहाँ पर एक इसको डिफाइन करने के लिए दो पैराग्राफ दिए गए, ठीक है मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एज द रिपब्लिकन एस्पिरेंट, अमेरिका में जैसे इंडिया में हमारे पास बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है, वहां पर भी रिपब्लिकन पार्टी थी, तो एज द रिपब्लिकन एस्पिरेंट ही मतलब यहाँ पर प्रोनाउन इस नाउन के लिए आया है, मिस्टर डीवी। तो इनसे पूछा गया कि थाफ्ट हार्ले एक्ट के बारे में, ये एक एक्ट था अमेरिका का उस वक्त, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इनसे पूछा गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ना तो हाँ में आंसर दिया कि हाँ वो उसको सपोर्ट करते हैं, ना तो इन्होंने ना में आंसर दिया कि नहीं मैं उसका विरोध करता हूँ। ठीक है, द आंसर वॉज येस एंड ऑल्सो नो, मतलब उन्होंने घुमा फिरा करके बातें की। वट वॉज डीवी डूइंग, ही वॉज इक्विवोकेटिंग। क्लियर है, इंजॉइंग द लिटिल। तीसरा वर्ड है हमारे पास टिटिलेट, मतलब गुदगुदाना। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, मतलब कि आप फिजिकली किसी को टच करके यू आर डूइंग दिस थिंग, या फिर इट कैन ऑल्सो भी मेंटली एक तरह का सेंसेशन। ठीक है, एक तरह का इंजॉयमेंट, एक तरह की प्लेजर फीलिंग। ठीक है, प्लेइंग इट वे अप। वर्ड हमारे पास एड्यूलेट, किसी की हद से ज्यादा तारीफ करना। बहुत लोग होते हैं जो कि किसी पब्लिक फिगर को, जैसे इंडिया में एमएस धोनी के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है, मिस्टर हमारे जो एक्स कैप्टन थे, ठीक है, बहुत लोग उनको बहुत प्रेज करते हैं, खासकर जो साउथ में, जो चेन्नई है वहां पर, वो चेन्नई सीएसके के लिए खेला करते थे, अब अभी भी खेला करते हैं, उन्होंने अभी भी आईपीएल से रिटायरमेंट नहीं लिया है। एसेंचुएटिंग द नेगेटिव, फिफ्थ वर्ड है हमारा प्रोस्क्राइब। एसेंचुएटिंग का मतलब होता है किसी चीज को नोटिस में लाना। ओके, ठीक है, ओके। व्हाट डज द डॉक्टर से टू यू इफ यू हैव लो ब्लड शुगर, नो कैंडी, सॉरी यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है इस बुक में। इफ यू हैव हाई ब्लड शुगर तो आपको कैंडी नहीं खानी है, पेस्ट्रीज नहीं खाने है, चॉकलेट नहीं खाने है, तो ये सारी चीजें वो क्या करेंगे, अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। मतलब है द डॉक्टर इज प्रोस्क्राइबिंग हार्मफुल आइटम्स इन योर डाइट, जो चीज मना करनी है वो उन्होंने आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख दी। एसेंचुएटिंग द अफर्मेटिव। मान सिक्स्थ वर्ड था हमारे पास ऑब्विएट। अब आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप वार्म हैं, फ्रेंडली हैं, इंथुजियास्टिक हैं, आउटगोइंग हैं, इजी टू प्लीज पर्सन हैं, ठीक है, यू आर क्विक टू शो एप्रिसिएशन विदाउट जजमेंट और क्रिटिसिज्म। अगर इस तरह की पर्सनैलिटी है आपके अंदर, तो नीड यू हैव एनी फियर्स अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, तो क्या आपको दोस्ती करने में, दोस्त बनाने में किसी तरह का डर रहेगा? नो, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और टेम्परामेंट है, दे ऑब्विएट सच फियर्स। ऑब्विएट का मतलब होता है रिमूव। मैंने आपको बताया कि अगर रोड पे अगर कोई चीज अगर रखी हुई है और आपने उसको हटा दिया, तो आपने उसको ऑब्विएट किया, कुछ चीज को ऑब्विएट करना मतलब रिमूव करना। प्लेइंग इट रॉन्ग। सेवेंथ वर्ड है हमारे पास मिलिटेट। ठीक है, मिलिटेट मतलब टू वर्क अगेंस्ट। यहाँ पर इन्होंने कुछ समझाया है, रियोडोर रीक, ये एक साइको एनालिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक लिसनिंग विद द थर्ड ईयर में ये लिखा है कि न्यूरोटिक पीपल, न्यूरोटिक वो लोग होते हैं जो थोड़े से डिप्रेस वगैरह होते हैं, जो थोड़े से दुखी होते हैं, दोज हु सफर फ्रॉम न्यूरोसिस, न्यूरोसिस और न्यूरोटिक, सॉरी न्यूरोसिस और साइकोसिस हम पढ़ चुके हैं पहले, दे अनकॉन्शियसली विश टू फेल। मतलब वो इंटरव्यू में दे से एग्जैक्टली द रॉन्ग वर्ड्स, वो हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे, हमेशा नेगेटिव काम ही करेंगे,
ऊपर ऊपर से ऐसा लगता तो है कि दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कोट सक्सेस, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियसली वो सारे काम करेंगे जो उनको फेल करवा रही है। ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज सच अ न्यूरोटिक टेंडेंसी हैव? इट मिलिटेट्स अगेंस्ट सक्सेस। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी अगर टेंडेंसी अगर उस आदमी के अंदर होगी तो इट विल वो सक्सेस के अगेंस्ट काम करेगी ना, तो इट मिलिटेट्स, मिलिटेट्स का मतलब होता है टू वर्क अगेंस्ट, प्लेइंग इट डर्टी। आठ, एट्थ वर्ड हमने देखा था, आई थिंक मलाइन था वो, किसी की बुराई करना। मैं यहाँ हेडिंग से आई थिंक मैंने गेस किया। ठीक है, हैरी, मिस्टर हैरी के बारे में आपने क्या कहा? ही इज ए क्लोजेस्ट एल्कोहलिक। माउड, इसके बारे में क्या कहा? शी इज स्लीपिंग अराउंड। ओके, मतलब उसका मतलब वो किसी के साथ सोती है और उसके स्टूपिड हस्बैंड को इस बात की खबर नहीं है। बिल के बारे में आपने क्या कहा? ही इज इम्बेजलिंग फ्रॉम हिज ओन कंपनी। इम्बेजलिंग का मतलब होता है चोरी करना, खुद की कंपनी से वो चोरी करता है। पॉल के बारे में आपने क्या कहा? ही इज ए चाइल्ड मोलेस्टर। ओके, मिस सैली के बारे में आपने क्या कहा? शी इज ए नोटोरियस नोटोरियस हस्बैंड बीटर। मतलब सभी के बारे में आपने गलत गलत कहा। दैट पर्सन इज मलाइनिंग एवरीवन। मलाइन मतलब किसी की निंदा करना। अच्छा, डिस्पैरेज में हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम किसी को तुच्छ समझ रहे हैं, उसको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितनी वैल्यू वो डिजर्व करता है। लेकिन मलाइन में हम उसकी एक्चुअल में हम उसकी निंदा करते हैं, हम बुराइयां करते हैं। देखिए, वहां पर हमने हैरी ट्रूमैन की निंदा नहीं की थी, उन्होंने जब इलेक्शन जीता था हमने ये कहा था वो ठीक है, मिसकाउंटिंग ऑफ बैलेट्स मतलब वोटों की गिनती गलत हो गई या फिर 100% वोटिंग नहीं हुई, सभी लोगों ने वोटिंग नहीं की, वहां पर उसकी निंदा उनकी निंदा नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पर लोगों की बुराइयां की जा रही है। नाइन्थ वर्ड है हमारे पास कंडोन। ओके, फ्रॉम लैटिन डोनेर का मतलब होता है टू गिव, तो हमने उसको माफी दे दी। ठीक है, यहाँ पर भी एक कंटेक्स्ट के थ्रू इसको समझाया गया है। मान लीजिए किसी ने इनकम टैक्स में चोरी की, कोई बात नहीं, हम सोचते हैं ठीक है चलता है। ओके, इसी तरह से दो पैराग्राफ और है, आप पढ़ लीजिएगा। चेंजिंग हॉस्टिलिटी मतलब किसी के एग्रेसिवनेस, किसी के एंगर को, कोई अगर आपसे अगर रूठा हुआ है उसको अगर मनाना है, प्लीज करना है, अपीज करना है, उसके लिए हमारे पास वर्ड है प्लेकेट। यू ट्राई टू प्लेकेट हिम। ठीक है, यू हैव डन समथिंग दैट हैज अराउज्ड एंगर एंड रिसेंटमेंट इन योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, यू हैव नो डिजायर टू हर्ट हिम, येट ही मेक्स इट ऑब्वियस दैट ही फील्स प्रिटी बिटर अबाउट द होल सिचुएशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसे मनाने की कोशिश करोगे। आपको इसको पढ़ना है, मैं लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द वर्ड्स, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स? पहला वर्ड है हमारे पास डिस्पैरेज, मतलब किसी को तुच्छ समझना। ये सारे वर्ड्स हमारे वर्ब हैं, आज के सेशन में सिर्फ वर्ब है। इक्विवोकेट, ओके, इक्विवोकेट मतलब कि घुमा फिराकर बातें करना, क्लियर हाँ या ना नहीं कहना। यहाँ पर ये सिंबल है, उल्टा ई लगा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया है ये। अगर आपने ब्रिटिश इंग्लिश सुनी होगी, ऑब्वियसली सुनी होगी, तो आपने ये देखा होगा, ये सुना होगा कि वो लोग बिल्कुल मात्रा लगा लगा कर नहीं बोलते। ये उल्टा ई को कहते हैं श्वा। श्वा होता है हमारा शॉर्ट वॉवल साउंड, मतलब बिल्कुल मात्रा लगा लगा कर नहीं कहना है। ठीक है, देखिए ये साउंड के इंटेंसिटी को बताता है, ये साउंड को चेंज नहीं करता है। ये जो श्वा है ये ओ के बदले आया है ना, तो साउंड तो आपका ओ का ही होगा, इक्विवोकेट ही होगा। इक्वी यहाँ पर ई की साउंड नहीं आएगी, इक्विवीकेट नहीं हम इसको कहेंगे, हम इसको इक्विवोकेट ही कहेंगे, लेकिन बिल्कुल मात्रा लगा लगा कर नहीं कहेंगे, ये साउंड को नहीं बदलेगा। ठीक है, तीसरा हो गया हमारे पास टिटिलेट मतलब गुदगुदाना। फोर्थ हो गया एजुलेट, ठीक है, जे लगा हुआ है, डी नहीं है यहाँ, इसको एडुलेट नहीं कहेंगे। एडुलेट मतलब किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, हद से ज्यादा प्रशंसा करना। प्रोस्क्राइब, ठीक है, प्रोहिबिट, ठीक है, मतलब मना करना। ऑब्विएट, ऑब्विएट का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, फ्रॉम इसमें रूट है वाया, वाया मतलब रोड। मिलिटेट मतलब टू वर्क अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट काम करना।
देखिए ये दोनों में सटल डिफरेंस है। ऑब्विएट का मतलब होता है टू मेक अननेसेसरी, ठीक है। मिलिटेट का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट काम करना, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा समझना होगा। वैसे सेशन खत्म होते होते तक जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो हम समझ जाएंगे। मलाइन का मतलब होता है किसी की निंदा करना। स्लैंडर, कंडोन का मतलब माफ कर देना। कॉन का मतलब विथ या टुगेदर। लैटिन डोनेर मतलब गिव, तो हमने उसको माफी दे दी। प्लेकेट मतलब प्लीज करना, अपीज करना, किसी को मनाना। आगे बढ़ते हैं। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है तारीफ करना। लेविशली मतलब हद से ज्यादा। तो फ्लैटर लेविशली इज एजुलेट, करेक्ट। वर्क अगेंस्ट इज मिलिटेट, 7th नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोहिबिट मना करना, प्रोस्क्राइब। फॉरगिव माफ कर देना इज कंडोन। चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस इज प्लेकेट। पर्पसली टॉक इन सच अ वे एज टू बी वेग एंड मिसलीडिंग, ठीक है। वेग मतलब कि हाँ या ना, वो मैं वो बात नहीं कर रहा। इक्विवोकेट। स्लैंडर मतलब मलाइन करना। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब बुराई करना। देखिए ये बुक अपने आप में कंप्लीट है, आपको ना अलग से सिनोनिम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये क्या है, सिलेंडर क्या है, इसका सिनोनिम ही तो है। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर आप इसको पढ़ लीजिए। दिस बुक इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अलग से कंटेक्स्ट में सेंटेंसेस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। प्ले डाउन, ओके, मतलब किसी को तुच्छ समझना। प्ले डाउन जो प्रोवर्ब है इसका मतलब भी वही होता है, किसी को तुच्छ समझना। डिस्पैरेज का मतलब भी वही होता है, किसी को तुच्छ समझना। बिलिटिव का भी मतलब वही होता है। मेक अननेसेसरी इज ऑब्विएट। टिकल गुदगुदाना, टिटिलेट। स्टिमुलेट प्लेजरेबली। आगे बढ़ते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। ये आप लोगों को खुद करने हैं, कुछ नहीं है। आप लोगों को पढ़कर ट्रू फॉल्स करना बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू यूज द वर्ड्स। राइट द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स ईच सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर वन। यू हैव बीन आस्क्ड टू टेक अ स्टैंड ऑन अ सर्टेन इशू। आपसे कहा गया है कि आप एक स्टैंड लीजिए, लेकिन यू डोंट हैव द करेज टू बी आइदर डेफिनेटली फॉर और अगेंस्ट। लेकिन आपके अंदर, लेकिन आपने ना तो उसकी तरफ या ना ही उसके अगेंस्ट आपने स्टैंड लिया, तो यू इक्विवोकेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू। यू स्प्रेड अराउंड एन अनप्लीजेंट स्टोरी दैट यू नो विल ब्लैकन समवंस रिप्यूटेशन। किसी की रिप्यूटेशन को खराब करेगा, तो आपने क्या किया, उसे मलाइन किया। यू स्लैंडर, यू मलाइन दैट पर्सन। यू योर फ्रेंड इज जस्टिफिएबली एंग्री। आपका दोस्त नाराज है आपसे। यू मस्ट ट्राई टू प्लेकेट हिम। फोर्थ है। यू वर्चुअली वर्शिप योर थेरेपिस्ट। आप मतलब उसकी इतनी, मतलब एक तरह से आप उसकी पूजा करते हो, इतनी ज्यादा आप तारीफ करते हैं। यू एजुलेट हर। यू आर क्राउडिंग 260 ऑन द स्केल्स, मतलब जो वेट नापने की मशीन होती है उसमें आपका जो वेट है 260 पाउंड्स, वो लोग पाउंड में मेजर करते हैं। तो लगभग आपका वेट 125 130 किलो के आसपास, 128 125 के आसपास पहुंच चुका है। तो हाई कैलोरी मील्स, रिच डेजर्ट्स वगैरह क्या करेगा, डॉक्टर मना करेगा। तो द डॉक्टर प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब से आएगा यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस आता है। देखते हैं। योर चाइल्ड जॉनी हैज स्मैक्ड द नेबर्स किड। आपके बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे को मार दिया, क्या करोगे? आपके बच्चे, आप मना कर देंगे। यू कंडोन जॉनीज बिहेवियर, ठीक है। यहां पर एस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर यू हमारा सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है। एस होता है हमारा सिंगुलर वर्ब। वहां एस आया था क्योंकि डॉक्टर हमारा सिंगुलर वर्ब था ना, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट था ना, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू सन अंडरस्टैंडेबली एक्सपेक्टिंग प्रेज, आपका जो बेटा है वो आपसे तारीफ की उम्मीद कर रहा था। मेंशंस द 3 B's एंड 2 A's ही अर्नड इन हिज कोर्सेज।
उसका रिजल्ट आया है, उनके यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। तो 3 B और 2 A आए हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप तारीफ करेंगे, लेकिन आपने क्या कहा, आपने ये कहा इज दैट द बेस्ट यू कैन डू, क्या तुम बस यही कर सकते हो, व्हाट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग ऑल एज, मतलब आपने क्या किया उसके अकम्प्लिशमेंट को तुच्छ समझा, बिलिटिल किया, डिस्पैरेज किया, आपने बुराई नहीं की यहाँ पे कुछ, लेकिन बट आपने उसको ये नहीं कहा कि तुम, मतलब उसकी बुराई नहीं की, आप समझ पा रहे हैं ना, डिस्पैरेज, यू डिस्पैरेज हिज अकम्प्लिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, यू हैव रन आउट ऑफ कैश एंड प्लान टू गो टू बैंक, कैश नहीं है फिर आप बैंक जा रहे हैं या फिर एटीएम जा रहे हैं टू मेक अ विड्रॉवल, लेकिन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली यू डिस्कवर अ $20 बिल, आपको एक $20 उनके लिए बहुत होते हैं, ठीक है, यू डिस्कवर $20 बिल यू सिक्रेटेड इन योर डेस्क ड्रॉवर मंथ्स अगो, आपको पैसे आपको घर में ही मिल गए आपको पैसे, तो क्या करेंगे आप, बैंक जाएंगे, एटीएम जाएंगे, आप एटीएम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि पैसे तो आपको मिल गए, तो एटीएम जाकर के, जो एटीएम जाकर के भी तो आप पैसे ही निकालते, तो योर फाइंड जो आपको मिला दैट विल ऑब्विएट मेक अननेसेसरी, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, योर फाइंड ऑब्विएट्स, यहां पर भी ऐसा आएगा, योर फाइंड ऑब्विएट्स अ ट्रिप टू द बैंक। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर द सोल ऑफ ऑनेस्टी बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव अ स्नीकी थिविस्ट सिनिस्टर लुक, आप ऑनेस्ट है लेकिन दिखने में आप वैसे नहीं है, दिखने में यू आर स्नीकी थिविस्ट एंड सिनिस्टर, ओके, तो योर अपियरेंस जो आपकी दिखावा, मतलब जो आपका अपियरेंस है, दैट थिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू, तो मिलिटेट्स अगेंस्ट यू। द सेंटर फोल्ड, 10th क्वेश्चन देखते हैं, द सेंटर फोल्ड ऑफ प्ले बॉय और प्ले गर्ल प्रोवाइड्स अ माइल्ड एंड एग्रीएबल स्टिमुलेशन, प्ले बॉय और प्ले गर्ल मैगजीन्स है, ठीक है, तो मॉडल सेंटरफोल्ड होता है किसी भी मैगजीन का बीच का पन्ना, वैसे तो हम देखें तो किसी भी मैगजीन में 2 पेजेस होते हैं, एक लेफ्ट की तरफ होता है और एक राइट की तरफ होता है, लेकिन बीच का पन्ना जो कि वो पूरा एक होता है और उसमें इन दोनों पेज पर, मतलब एक ही जो होती है इमेज, वो दोनों पेज पर एक्सटेंड करती है, उसको कहते हैं सेंटर फोल्ड। तो द सेंटर फोल्ड ऑफ प्ले बॉय टिटिलेट्स यू, यहाँ पर डबल एल आएगा आई थिंक, यहाँ पर डबल एल लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको इरेज कर, सेंटरफोल्ड होता है किसी भी मैगजीन का सेंटर वाला पेज, और इस पेज में राइट साइड और लेफ्ट साइड, मतलब एक ही इमेज पूरे लेफ्ट और राइट पेज को एक्सटेंड करती है। यू रिकॉल द वर्ड्स, आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी, हॉस्टिलिटी इनटू फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस इज प्लेकेट, मेक अननेसेसरी इज ऑब्विएट, बी लिटिल इज डिस्पैरेज, ओवरलुक और फॉरगिव, योर ट्रांसग्रेशन इज कंडोन्ड, आपका हो गया एंड ऑफ सेशन 19। ओके, अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और किसी एक पर्सन तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे वो भी सीख सके। तो मिलते हैं सेशन 20 में, जहां पर हम देखेंगे ओरिजिन्स और उससे रिलेटेड वर्ड्स। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।